आपको स्वागत है मेरे चैनल विल जील पे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट जेम। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये वाला स्काल कैंडी का एक हेडफोन जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। एक्चुअली मैंने नहीं मंगवाया, ये मेरी बीवी मीन्स नूपुर ने मंगवाया है। ये मेरा एडवांस बर्थडे गिफ्ट है। एक्चुअली मुझे ये ज़रूरत था बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैं पहले ही गिफ्ट ले लिया। इसका प्राइस है 699, 699 लगभग 700 रुपये। स्काल कैंडी का है। हम लोग और टाइम वेस्ट ना करके इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट का जैसे पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से रहता है, यहाँ पर भी अच्छी तरीके का पैकेजिंग दिखाई दे रहा है। ये रहा एक्चुअल जो है पैकेट जिसमें ये हेडफोन है। स्काल कैंडी का हेडफोन अच्छा रहता है। इससे पहले मैं ऑडियो टेक्निका का एक वीडियो दिया था। ऑडियो टेक्निका का हेडफोन मैं यूज़ कर रहा था। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, पैकेट में क्या कुछ लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माइक भी दिया हुआ है स्काल कैंडी का, और बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसको जल्दी से ओपन कर लेते। तो ओपन करने के लिए ये वाला खींचने के लिए बोल रहा है, तो ये काफी आसानी से अनबॉक्स हो गया। सॉरी, थोड़ा फट गया ये, बहुत ही बुरी तरीके से मेरा अनबॉक्सिंग हुआ इस बार। ये रहा इसका वेयर वगैरह। कल आया यहाँ पर कुछ मैनुअल दिया हुआ है। नहीं, ये कुछ वारंटी इंस्ट्रक्शन है, मैनुअल नहीं है, सॉरी। ये कुछ वारंटी इंस्ट्रक्शन है। ये रहा 2 इयर्स ग्लोबल वारंटी, तो 2 साल का वारंटी है, बहुत अच्छा है। ये माइक जो है, माइक का कुछ यूज़र दिया हुआ है, माइक कैसे यूज़ करते हैं जो मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक क्लिक में क्या हो सकता है, 2 क्लिक में क्या होगा, 3 क्लिक में क्या होगा, ये सब डिटेल्स दिया हुआ है सिर्फ, और पीछे खाली है। अभी आते हैं हेडफोन की तरफ। बहुत उलझ गया पहले से ही। ये रहा हेडफोन, ये काफ़ी लंबी है, मुझे लगता है कुछ 1 फुट के आसपास होगा, 1 फुट नहीं 1.5 फुट के आसपास होगा ये। जो एयर पीस का जो ये होल दिया हुआ है, ये थोड़ा बड़ा है साइज में, ग्रिप अच्छा है। इन ईयर हेडफोन है ये। यहाँ पर माइक दिया हुआ है, माइक का बटन यही वाला है बटन। इसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा ईयर प्लग को, ईयरबड्स जो होता है वो दिया है, सिर्फ 2 ही दिया है। बाकी सब कंपनीज देखता हूँ 4 देता है। नहीं, जिससे पहले जितना भी मैंने हेडफोन खरीदा है 4 रहता था, यहाँ पर दिख रहा है 2 ही है सिर्फ। अभी जल्दी से इसका मैं साउंड टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है। साउंड क्वालिटी बताने से पहले बाकी फीचर जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे समझ लीजिए ये गाना चल रहा है, मुझे ये गाने में पॉज करना है, ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये
पॉज हो जाता है, फिर से प्रेस करता हूँ तो ऑन हो जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, इसके डबल क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट गाने पे आ जाता है। इसमें ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो ये प्रीवियस सॉन्ग्स में आ जाता है। तो ये अच्छा तरीके से काम कर रहा है, ये जो बटन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो इसका क्वालिटी है वो अबव एवरेज है। अबव एवरेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बीट्स का मुझे कमी लग रहा है, जैसे बेस थोड़ा सा कम है, लेकिन साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। थोड़ा बेस इसका मुझे कम लगा। मैं ये कैमरे के सामने कोई एक प्ले करके आपको साउंड सुनाता हूँ, थोड़ा सा आपको सुना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा नहीं कैसा क्वालिटी है जब तक आप ये इन ईयर हेडफोन जब तक आप कान में यूज़ नहीं करते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में क्वालिटी कैसा है। तो मैंने यहाँ पर एक नो कॉपीराइट साउंड का एक वीडियो चालू किया है, जिसमें आपको साउंड सुनाता हूँ कैसा है। फुल दे देता हूँ मैं वॉल्यूम को, तो आप सुन सकते हैं साउंड कैसा है। ये मैं आपको स्टीरियो सुना रहा हूँ, ये आपका मोनो हो गया, ये आपको मैं स्टीरियो सुना रहा हूँ। पता नहीं कितना आपको समझ में आ रहा होगा, कितना लाउड है, कितना क्लियर है, लेकिन ये इतना ही मैं सिर्फ इस वीडियो में दिखा सकता हूँ। बल्कि इतना दूर से भी साउंड शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना लाउड है। क्लैरिटी बहुत अच्छा है, हेडफोन का क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं आपको एक वॉइस रिकॉर्ड करके, इससे एक वॉइस रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा कि वॉइस क्वालिटी आपको कैसा लगा। तो अभी जो नेक्स्ट वॉइस होगी ये इससे रिकॉर्ड होगी। तो दोस्तों अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे हेडफोन से डायरेक्ट मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप सुन सकते हैं कैसा ये रिकॉर्डिंग है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालिएगा कि ये रिकॉर्डिंग का क्वालिटी आपको कैसा लगा। अगर इसका रिकॉर्डिंग अच्छा होता है तो मैं ज़रूर अपने दूसरे किसी वीडियो में ये यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है कि कुछ माइक का ज़रूरत होता है, तो मैं रिकॉर्डिंग इधर से भी कर सकता हूँ। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं बाकी जो इसका फीचर्स है, मीन्स कॉल क्वालिटी इसका कैसा है, हम लोग अभी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कस्टमर केयर का जो नंबर है एयरटेल का, उसमें कॉल किया है। तो यहाँ पर आप कॉल का लाउडनेस देखिए, बहुत अच्छा क्वालिटी है कॉल का, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें तो मैं अभी बात करके नहीं सुना सकता आपको, लेकिन बाकी जो फंक्शन होता है वो दिखा सकता हूँ। जैसे ये आप कट करेंगे तो कॉल म्यूट हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये म्यूट हो गया है, यहाँ पर म्यूट हो गया। इसको फिर से एक बार प्रेस करूँगा तो ये अनम्यूट हो जाएगा, ये प्रेस करके पकड़ा रहूँगा तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप कहिएगा इसका वॉइस क्वालिटी आपको कैसा लगा, इसका जो रिकॉर्डिंग है उसमें कैसा इसमें रिकॉर्ड हुआ, और इसके बारे में कुछ भी फीडबैक देना है तो ज़रूर दे देना। कुछ भी पूछना भी है अगर इसके बारे में तो पूछ भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये वीडियो इधर ही एंड कर रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। आपको अगर फील हो रहा है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत सारा टास्क आपके लिए दे दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, क्योंकि फेसबुक पेज में अगर आप लाइक करके रखेंगे तो उसमें मैं बहुत सारा क्विक अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।